Create perfect album with custom size. Create album window में अपनी मनचाही album size create कीजिए. यहाँ इस drop-down menu में आप recently use की हुई 10 album sizes देख सकते हैं. Units और DPI define कीजिए. Page details में पेज की width और height define कीजिए और पेज की center, left, right, top और बॉटम मार्जिन्स डिफाइन कीजिए. एल्बम का पेज स्टार्ट लेफ्ट या राइट इनमें से सिलेक्ट कीजिए. अगर आप लेफ्ट स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्प्रेड्स दिखाई देंगे जिन्हें आपको डिजाइन करना है. अगर आप राइट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो स्प्रेड काउंट चेंज हो जाएगा. स्प्रेड काउंट 3 पार्ट्स में बाइफर्गेट हो जाएगा. मिडिल पार्ट में आपको फुल साइज स्प्रेड्स का काउंट मिलेगा और लेफ्ट और राइट साइड में लेफ्ट और राइट पेज का काउंट मिलेगा. पेज स्टाइल में दिए गए पेज और स्प्रेड ऑप्शन में से एल्बम की पेज स्टाइल सिलेक्ट कीजिए. एल्बम के लिए नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट कीजिए. अगर आप स्प्रेड स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे स्प्रेड काउंट्स देख पाएंगे. अगर आप एल्बम के लिए पर्सनलाइज्ड कवर डिजाइन करना चाहते हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए. कवर की विड्थ और हाइट डिफाइन कीजिए. इसके अलावा आपको कवर की स्पाइन, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन्स भी डिफाइन करनी है. स्प्लिट ऑप्शन से एल्बम कवर का स्प्लिटिंग प्रेफरेंस डिफाइन कीजिए. लोगो ऑप्शन से कवर के लिए लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं. रिसेट आइकॉन से लोगो को रिसेट कीजिए. आपके द्वारा डिफाइन किए गए एल्बम पेज और कवर का प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं. एल्बम के कवर के लिए आप कैमियो भी डिजाइन कर सकते हैं. एडवांस ऑप्शंस में जाइए. अगर आप कैमियो कवर डिजाइन करना चाहते हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए. ब्राउज बटन से ब्राउज कीजिए और जो इमेज आप कैमियो कवर पे सेट करना चाहते हैं उसे इंसर्ट कीजिए. कवर प्रीव्यू में वो इमेज दिखाई देगी. कैमियो इमेज को रिसेट करने के लिए रिसेट बटन यूज कीजिए. सारे पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए. आपको एल्बम क्रिएशन की स्टाइल चूज करने के लिए कहा जाएगा. नेम टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइटल डिफाइन कीजिए. ये टाइटल एल्बम कवर के फ्रंट पेज पे और एल्बम के स्पाइन पे दिखाई देगा. अगर आपने जैकेट ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ये टाइटल एल्बम के जैकेट और एल्बम के कवर पे प्लेस होगा. हर स्टाइल के साथ उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिससे आपको सही स्टाइल सिलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी. यहाँ हमने परफेक्ट एल्बम ऑप्शन सिलेक्ट किया है. परफेक्ट एल्बम में आपके सारे फोटोज उनके ओकेजन के मुताबिक सॉर्ट होते हैं और पेजेस पे प्लेस होते हैं. इससे आपके एल्बम को एक कंटिन्यूटी मिलती है. अब आप सिलेक्ट थीम विंडो में है. थीम को थीम वाइज, स्टाइल वाइज और कलर वाइज सॉर्ट किया जा सकता है. जूम ऑप्शन से थीम की थंबनेल व्यू बड़ा या घटा सकते हैं. अपनी मनचाही थीम सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ऑप्शन से सिलेक्ट फोटो विंडो में जाइए. जो फोटोज आप एल्बम में इंसर्ट करना चाहते हैं उन्हें आप हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ या फेसबुक से ला सकते हैं. व्यू ऑप्शन से आप फोल्डर को लिस्ट या आइकॉन स्टाइल में देख सकते हैं. एल्बम में जो फोटोज इंक्लूड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए. यहाँ से कवर फोटो को सिलेक्ट कीजिए. नेक्स्ट बटन से अगले विंडो में जाइए. यहाँ आप सिलेक्टेड फोटोज, यूज्ड फोटोज, रिकमेंडेड पेजेस, मैक्सिमम फोटोज पर पेज, सिलेक्टेड पेजेस और रिस्पेक्ट सेफ एरिया चेकबॉक्स को चेक या अनचेक कर सकते हैं. सारे चेंजेस करने के बाद नेक्स्ट विंडो में जाइए. यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका परफेक्ट एल्बम आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए थीम और फोटोज के साथ तैयार है. यहाँ आप एल्बम का कवर पेज और एल्बम के पेजेस देख पाएंगे. आपने एल्बम के लिए कैमियो इमेज सिलेक्ट की है इसलिए वो इमेज एल्बम के कवर पे दिखाई देगी. एल्बम के लिए फोटोज सिलेक्ट करते समय आपने अगर कवर के लिए कोई इमेज सिलेक्ट की थी तो वो इमेज कवर पे दिखाई देगी. फोटो को सिलेक्ट कीजिए और लॉक अनलॉक टैब से इमेज को अनलॉक कीजिए. अब इमेज को मूव कीजिए और उसे एम्प्टी कैमियो पार्ट में लाइए. आप इमेज को जूम और पैन करके एरिया में सेट कर सकते हैं.
कवर का बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड टैब से चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। आप एल्बम के पेजेस को यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। एल्बम का प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। चेंज लेआउट ऑप्शन से आप एल्बम के पेजेस का लेआउट बदल सकते हैं। यहाँ दिए गए टैब से आप एल्बम के डिजाइन बदल सकते हैं या नया डिजाइन ऐड कर सकते हैं। आपका एल्बम सेव करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है।